नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा। आज हम अपनी जीएसटी नॉलेज सीरीज के पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें और कोशिश रहेगी हमारी कि जो प्रैक्टिकल जो एक क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं उसी के बेसिस पे हम अपनी नॉलेज सीरीज को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आज ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जहाँ मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल हेड ऑफिसेस हैं। कहने का मतलब ये है, एक हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर स्टेट में है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूंगा, मेरा एक हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर एक मेरी ब्रांच है दिल्ली के अंदर, और सेकंड मेरी ब्रांच है बेंगलोर के अंदर। मेरा जो एक हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर, अगर मैं एक एक्सपेंस के हिसाब से लेकर के चलूँ कि ऑडिट की फीस, लीगल फीस, आपकी कोई भी प्रमोशन एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, आईटी सपोर्ट सर्विसेज, जितनी भी बिलिंग्स होती हैं वो हेड ऑफिस के अंदर बिलिंग होती है। अब हेड ऑफिस क्या करता है, उस एक्सपेंस को प्रोपोर्शन बेसिस पे अपनी ब्रांचेस को हैंड ओवर कर देता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस एक्सपेंस को। कहने का मतलब ये कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेड ऑफिस एक्सपेंसेस टू इट्स ब्रांचेस और टू इट्स ब्रांच ऑफिसेस इज कंसिडर एज अ सप्लाई। इसके बारे में मैं लेके चलूंगा सेक्शन 25 पे, 25 सबसेक्शन 5, साथ के साथ रेड विथ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जहां पे वो ये कहता है कि वेयर देयर इज अ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और द डिस्टिंक्ट पर्सन। पार्ट 1 में हमने रिलेटेड पर्सन के बारे में देखा और पार्ट 2 में अब हम डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जब कभी भी सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज होंगी और बोथ और इन बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और विद डिस्टिंक्ट पर्सन जो स्पेसिफाइड किए गए हैं सेक्शन 25 में, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस मैटर्स रिलेटेड, उस केसेस में इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, एंड इफ इट ट्रीटेड एज अ सप्लाई इट इज टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। सो इट मींस मैं शेड्यूल 1 को लेकर चलूं, सेक्शन 25(5) को लेकर के चलूं, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। कोई भी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम द हेड ऑफिस टू इट्स ब्रांच ऑफिस, इट वुड बी टैक्सेबल। वैल्यूएशन आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको रूल 29, 30, 31 के तहत, जिसमें ओपन मार्केट वैल्यू आती है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वो आपको लेनी है, अगर नहीं है 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको लेनी है, अगर फिर भी नहीं है तो जो भी क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी, उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करके टैक्सेबल करना है। हेड ऑफिस बिलिंग करेगा अपने ब्रांचेस को और ब्रांचेस उस पैसे को पेमेंट करेगी और आईटीसी को क्रेडिट लेगी। सिमिलर प्रोसीजर आप आईएसडी के थ्रू भी उठा सकते हैं, आईएसडी क्रिएट करके। आईएसडी का मतलब ही यही है कि एक इनवॉइस है, टैक्सेबल इनवॉइस मेरे पास आता है और उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ अपने डिफरेंट ब्रांचेस को। सो ऑल टुगेदर इसके ऊपर एक और केस लॉस है, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो AAAR कर्नाटका एडवांस रूलिंग का एक केस है, जो ये कहता है कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं कि एक सीएफओ है, एक सीईओ है, एक हेड ऑफिस में उसको सैलरी मिलती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो एक सीईओ और सीएफओ वो अपने ब्रांचेस को भी देखता है, मल्टीपल ब्रांचेस को भी हैंडल करता है, क्या उसकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक सप्लाई है। कोलंबिया एशिया का जो जजमेंट, जो रूलिंग डिसाइड की गई है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, वहां पे टैक्सेबल किया गया है। बट इन आवर ओपिनियन, एज पर आवर एडवाइस, ऑल्सो लिटिगेशन मैटर, बट ऑल्सो आवर एडवाइस कि जब भी कोई इंप्लॉय काम करता है उसके साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, सबसे पहले हमको वो देखना है, वो डिसाइड करना है, फिर मैं सप्लाई पे पहुंचूंगा, फिर मैं उसको टैक्सेबल करूंगा। सो दोस्तों, प्राइमा फेसी देखा जाए, व्हेनेवर एज एंड व्हेन द हेड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ द लीगल फीस, टेक्निकल फीस, आईटी सपोर्ट सर्विसेज, ऑडिट फीस, और इवन आई के से मार्केट रिसर्च एक्टिविटीज, आईटी सपोर्ट सर्विसेज, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस को करता है, ब्रांचेस को डेबिट कर देता है, ब्रांचेस उसकी पेमेंट हेड ऑफिस को करती है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई एंड टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। इट इज इरेलेवेंट
की कंसिडरेशन मिली हो, क्योंकि शेड्यूल वन के अंदर भी इसको कवर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहिएगा अपनी नेक्स्ट नॉलेज सीरीज के तहत। और उसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी इस मैटर से रिलेटेड है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, इट विल बी ऑल्सो शेयरिंग ऑफ द नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू द जीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।